नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। देवरिया में फिर हुआ कांड। चौकीदार ने पत्नी को गोली मार दी और गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के उरदौली में हुई। महिला अपने पति से तंग आकर मायके में रह रही थी। चौकीदार पति गुरुवार की रात अचानक पत्नी के मायके पहुंच गया। यहां पत्नी को उसने गोली मार दी जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। ये जनपद देवरिया में थाना सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत उरदौली ग्राम की घटना है, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद कुशवाहा है, उसने अपनी ही पत्नी को एक घरेलू पारिवारिक विवाद के बाद कहा सुने के बाद में गोली मारने की घटना है, जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।